मौसम के तेवर यानी कुल मिलाकर बिगड़े हुए हैं। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे सब जगह मौसम का बुरा हाल है। इक्वेटर के ऊपर यानी धरती का उत्तरी हिस्सा बर्फ से दबा पड़ा है। इस हिस्से के कितने ही देश रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी का गवाह बने हैं। इन इलाकों में जिंदगी रिकॉर्ड तोड़ ठंड से कांप रही, यानी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जम गया यूरोप, बर्फ से ढका चीन, बर्फबारी से बेहाल उत्तरी अमेरिका, दक्षिण कोरिया में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, चीन से लेकर अमेरिका तक कुदरत की मार जबरदस्त पड़ी है। पूरी दुनिया सफेद नजर आ रही है। कई देश बर्फ की मोटी चादर से ढके पड़े हैं। बर्फ के नीचे जिंदगी बेचैन और बेहाल है। मौसम के बदले मूड में एक बात गौर करने वाली है, ये जितने भी देश बर्फ की मार झेल रहे हैं वो सब भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तरी हिस्से में है, यानी धरती का उत्तरी हिस्सा इस वक्त भयंकर बर्फबारी की चपेट में है। यूं तो यूरोप के लिए बर्फबारी आम है, पर इस बार हालात ज्यादा खराब हुए। लोगों को जितनी बर्फ देखने की आदत है उससे कहीं ज्यादा बर्फबारी का उन्हें सामना करना पड़ा है। हवाई जहाज से लेकर चलती ट्रेनों तक बर्फ से ढकी नजर आई। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखी। बर्फ से ढकी फिसलती सड़कों पर गाड़ियां हादसे का शिकार होती रही। उड़ानों से लेकर रेल यातायात और पानी के जहाजों की आवाजाही पर भी काफी असर पड़ा। कुछ देशों में तो नदियां तक जम गई। मौसम के तेवर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूरोपीय देशों में नवंबर के महीने तक बर्फबारी का नामो निशान नहीं था, पर दिसंबर में ऐसा कहर बरपा कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। उत्तरी अमेरिका में सबसे बुरी हालत हुई कनाडा की। यहां पारा शून्य से 50 डिग्री तक नीचे गया। कुछ हिस्सों में 100 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। अमेरिका के लिए भी बर्फबारी नई नहीं है, लेकिन इस बर्फबारी ने पिछले 77 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बर्फ की मार से राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत अमेरिका के कई शहरों में सफेद सन्नाटा पसर गया। टेनेसी, नॉर्थ कैरोलिना से दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया तक हर शहर बर्फीले तूफान की चपेट में थे। वॉशिंगटन, फिलाडेल्फिया और न्यूजर्सी एयरपोर्ट पर विमानों के पहिए रुक गए। चीन ने भी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी। राजधानी बीजिंग और उसके नजदीक पोर्ट सिटी त्यांजिन ने 60 सालों में पहली बार मौसम के ऐसे तेवर देखे। त्यांजिन पोर्ट के आसपास तो समंदर का पानी तक जम गया। इससे पानी के जहाजों की आवाजाही पर काफी असर हुआ। बर्फबारी ने चीन के करीब 3 लाख हेक्टेयर खेती चौपट कर दी। 15,000 से ज्यादा इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बर्फबारी में कहीं ट्रेन फंसी तो कहीं सड़क यातायात पर असर हुआ। हादसे भी खूब हुए। ठंड और बर्फ ने कई लोगों की जान भी ले ली। दक्षिण कोरिया में भी मौसम की जबरदस्त मार पड़ी। राजधानी सियोल में 10 इंच मोटी बर्फ की परत जम गई। यहां भी 72 साल पुराना बर्फबारी का रिकॉर्ड टूटा। आज तक ब्यूरो।